आप समझते हैं मेरा भी परिवार है, क्या मेरी परिवार की वजह से मुझे दुख नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ, क्योंकि दुख का कारण है सबसे बड़ा ये कि जब मेरी इच्छा अनुसार चीजें नहीं होती हैं तो मेरे को दुख होता है। यही तो आपके साथ भी होता है ना, जब आपकी इच्छा अनुसार चीजें नहीं होती हैं तो आपको भी दुख होता है। तो मैंने अपने मन की इच्छा तो जान ली, पर अपने हृदय की इच्छा को कभी जाना? मेरी हृदय की इच्छा क्या है? मेरे हृदय की इच्छा है कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना इसकी, वो मेरा दोस्त है, उसके साथ जरा बैठेंगे और गप मारेंगे। क्या मारेंगे? गप मारेंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे। पर टाइम बर्बाद करने की कौन सोचता है? नहीं, उसके साथ बैठ के ये करेंगे, उसके साथ बैठ के ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। अब जो जब नई नई शादी होती है, नई नई शादी के बाद जब बच्चा होता है तो माँ बाप यही सोचते हैं, ओ छोटा छोटा बच्चा होगा, उसको खिलाएंगे, वो वह वह करेगा, उसको पकड़ के रखेंगे, कितना सुंदर होगा। पर जब असली में हो जाता है, हैं, असली में हो जाता है और पकड़ा हुआ है, और फिर वो क्या कहते हैं, पेशाब करने लगता है, तो इसको लो, ये क्या कर रहा है। और जब रात के दो बजे बच्चा रोता है तो मां कहती है, सो जा, मेरे को भी सोने दे। वो जब वो पेट में था, वो सारे ख्याल सब खत्म हो जाते हैं। अरे मेरा बच्चा ना, ओ मेरा बच्चा नहीं, अजी सुनते हो, इसको सुलाओ, इसको, ये रोता रहता है, सारे दिन रोता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। ये है हकीकत। मन एक ऐसी चीज है कि ये हवा से भी लड्डू खा ले, परंतु उस लड्डू से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। हृदय असलियत, हृदय को चाहिए असलियत, और असलियत क्या है? कि तुम जीवित हो। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे लिए सब कुछ है, और अगर ये निकल गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं, हो सकता है इस बात से सहमत ना हो, परंतु ये बात मैंने देखी है। मैं सारे संसार में भ्रमण करता हूं, बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, छोटे छोटे लोगों से मिला हूं। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो सच है। मैंने बड़े बड़े आदमियों को देखा है, उनको मालूम है कि उनका शरीर पूरे होने वाला है, उनको जो कुछ भी उनके पास है उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका श्वास चलता रहे, सिर्फ श्वास चलता। वो आपका चल रहा है और आपको खबर ही नहीं है कि ये क्या चीज है, क्या मेरे अंदर ये हो रहा है। आप अपने को अकेला समझते हैं? आपके साथ एक और भी है जो सारे संसार को चलाता है, उसने आपके दिल में मंदिर बना रखा है, आपके हृदय में मंदिर बना रखा है, और अपने आप को उस मंदिर में रखा हुआ है, आपके साथ है। अब बात यह है कि यहां वो चीजें नहीं होंगी जो आपकी इच्छा अनुसार हों। तो जब मेरी इच्छा अनुसार चीजें नहीं होती हैं तो मैं क्या करता हूं? दुखी होता हूं। जैसे ही मैं दुखी होने लगता हूं तो मैं कहता हूं अपने से, यार तू दुखी होना चाहता है या सुखी रहना चाहता है? अंदर से आवाज यही आती है, सुखी रहना चाहता हूं, दुखी नहीं होना चाहता हूं। तब मैं सोचता हूं
मेरी असली इच्छा क्या है, असली। और हर बार एक ही जवाब आता है उसका, कि मैं अपने जीवन में आनंद का अनुभव, परमानंद का अनुभव करता रहूं। बस बस, पेट को खिलाना तो आसान है, हृदय को खिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। हृदय की खुराक के लिए सुबुद्धि की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और जब तक ये खेल है, इस श्वास का सब कुछ है, और जिस दिन ये खेल बंद हो जाएगा उसके बाद आपकी सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए समझो कि ये आपके लिए क्या मौका है, और इसमें एक मौके का पूरा पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। क्यों? आइंस्टाइन ने कहा कि जो कुछ भी बनाया गया है ये सब खत्म होगा, जो कुछ भी, ये सारा का सारा विश्व है, ये सारा का सारा विश्व खत्म होगा। ये धरती नहीं रहेगी, सूरज नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, तारे नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, उससे पहले ये शरीर नहीं रहेगा। ये आज का बहुमूल्य दिन जो है, क्या इसका पूरा पूरा आपने फायदा उठाया? क्योंकि ये वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा।